देखिए अब मूली पराठा खुद बना रही है, मेरी गारंटी है। नमस्कार जी, अब हम तो उठ गए हैं और यहाँ पर देखिए पत्नी महारानी भी उठी हुई है और उठते ही अपना मोबाइल पर चालू है। सबसे पहला जरूरी काम यही होता है दिन का कि मोबाइल टिपना है, सबको देखना है कि कौन कौन सा मैसेज गया है, सबका रिप्लाई करना। आपको क्या पता? अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं पता है, सब कुछ नहीं पता है ना। मेरे भाई ने वीडियो कॉल कर रहे हैं, बोल रहे वीडियो कहाँ डाल दिया मेरा अभी तक। वीडियो डाल दिए कल रात में, बोलो उसको। बहुत अच्छा। और ये जो है चाय, हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ देगी लेकिन पिएगी 10 बार। और चाय को जो है हमेशा शरबत बना करके पिएगी, इतना ठंडा कर देगी तब पिएगी। सीधा गर्म वाला पेट में डाल दे, वो हानिकारक होता है। okay? अच्छा है, हानिकारक होता है। हाँ। हानिकारक हो या नहीं हो, चाय को गर्म पीने का ही मजा है, ठंडा पी के क्या मजा चाय। बहुत बढ़िया, सबकी अपनी चॉइस। जी आ गए हम वर्कआउट करके और हमें खाना था ब्रेड, जो कि मिल नहीं रहा है। हमारा ब्रेड लगता है यही खाली है। हमको ब्रेड अच्छा भी नहीं लगता, हमने खाया नहीं। बिल्कुल ब्रेड खत्म हो तो जाते हैं ब्रेड ले आते हैं। आपको तो बस ब्रेड ही पसंद है, अगर कुछ नाश्ता नहीं। और भी नाश्ता करेंगे लेकिन ब्रेड सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रेड नहीं खाते हैं तो लगता है कि फिर नाश्ता पूरा नहीं हुआ। दूध की घर में काफी किल्लत हो गई है ऐसा लग रहा है हमें। ये पानी में हॉर्लिक्स देगी। आपको पीना है तो दूध पी सकते हैं लेकिन हम नहीं पीएंगे। ये चीज हॉर्लिक्स का डब्बा मिल रहा था 410 में। पहली बार। और पैकेट मिल रहा था 370 में। 50 रुपए का बचत किया। 40 रुपया के यहाँ करीब। लगता है कि जनवरी में पूजा नहीं है। जी यहाँ पर बात हो रही है घर में पूजा की। जैसा कि आप में से कई लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि हमारे ऊपर में एक फ्लोर बना है जहाँ पर हमें शिफ्ट होना है। और जी जब तक पूजा होगी नहीं तब तक हम लोग ऊपर जाएंगे नहीं, और जब ऊपर चले जाएंगे नीचे वाला जो फ्लोर है उसको हम रेंट पे लगा देंगे। जी आजकल रेंट पे लगाना मजबूरी हो गई है, इतनी चोरी हो रही है मोहल्ले में पूछिए मत। कोई भी कहीं चले जाए बाहर तो इन चोरों को पता नहीं कहाँ से मालूम चल जाता है और चोरी हो जाती है घर में। फिर तो जब कोई रेंट पर रहेगा तो कम से कम घर खाली नहीं रहेगा। बच्चे की तरह चाट चाट के पी रहे हैं। फिर जी हम निकल गए अपना ब्रेड लेने के लिए। हम सोचे थोड़ा नाश्ता और हॉर्लिक्स पिला देंगे तो नहीं जाएंगे पति देव भी ठंड में, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंड था, लेकिन पति देव को रहा ही नहीं गया, निकल लिए। ब्रेड के बिना सारा नाश्ता अधूरा है जी। भाई साहब अब आ रही है ठंड की फील, अब लग रहा है कि ठंड आई है। ज्यादा तेज जो है बाइक अभी चलाना नहीं है, ज्यादा तेज चलाता हूँ भाई साहब ठंड लगती है। अभी तो नवम्बर है, दिसम्बर में तो और भी ठंड रहेगा। एक ब्राउन ब्रेड दीजिएगा। हाँ खत्म, ब्राउन ब्रेड होगा दीजिएगा। ये कल एक्सपायर हो जाएगा और दूसरा वाला होगा कल। हाँ हाँ ठीक है। ये बत्थू का साग और ये सरसों का साग। ओ तेरी कितना सारा साग, इधर क्या इधर भी काट के धो रहे हैं। ओ तेरी कितना सारा साग बनाने की जरूरत था, इसका दाल साग बनाएंगे और उधर साग है उसका सिर्फ साग बनाएंगे। मतलब पूरा घर जो है सागमय हो गया है। साग 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 साग।
सोचे थे मम्मी से अचार लेते आएंगे। बस देखते हैं खाने में क्या क्या बना। ये सरसों की साग है, हाँ। ये बंधा गोभी का सब्जी है, चटनी है, और ये क्या है बताओ आप? ये बत्थू का साग है। ये बत्थू का साग है, बत्थू का साग है 100 रुपया केजी, और ये वाला साग है 10 रुपया केजी। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं जी। अभी तक तो सब्जी के दाम नॉर्मल भी हो जाते थे, नवंबर का महीना आ चुका है, लेकिन अभी भी सब्जी के दाम आसमान पर है। इस कोविड की महामारी में ना जाने जी क्या क्या देखना पड़ेगा। जी हम पापा को कोर्ट छोड़ करके आ गए हैं घर, और अब जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम करना है। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी जॉब क्या है, तो जी मेरा जॉब है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। कई लोगों को बताया है लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं, तो इसके बारे में जब कुछ को बताया तो वह कहने लगे सर आप इसके बारे में बताइए डिटेल से एक बार, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इस फील्ड में स्कोप। तो सबको रिकमेंड भी किया कि आप लोग देख लो, यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पर्सनली बताओ, आपका जो एक्सपीरियंस है आप वहाँ बताओ, हम वहाँ जानना चाहते हैं। तो इसको लेकर के हम एक वीडियो डालेंगे। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का एक चैनल बना रखा है हमने, घर ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शूट किया जाए, क्योंकि हर जगह लाइट का इशू है, कहीं बैकग्राउंड अच्छा नहीं कर ले, लेकिन छत पर भी करी कैसे, लाइट ज्यादा है नहीं, एक ये रूम है, सोचते हैं इसमें शूट कर ले, तो लेकिन आवाज यहाँ गूंज रहा है, आपको भी आवाज सुनाई दे रहा होगा, इको हो रहा है यहाँ पर। हैं छत पर अगर अच्छे से हो जाए, लाइट सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक तो लग रहा है, तो यहीं पर शूट करते हैं अब जी। डिजिटल मार्केटिंग का यह जो वीडियो है वह हमने शूट कर लिया है, इस हफ्ते तक आ जाएगा हमारे इस चैनल पर। कुछ एडिटिंग में समय लगेगा, नहीं तो आज ही डाल देते। तो जल्दी से आप लोग जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जी अभी अभी सो करके उठे हैं, थोड़ी नींद पूरी हो गई है, और आज सो के उठे तो देखते हैं जिया पहले उठ गई है, देखते हैं जिया क्या कर रही है। जिया यहाँ किचन में है, क्या बना रही है? मूली पराठा बना रही है। ये कैसा बिल है? चिपक गया है, निकल ही नहीं रहा है, देखो सब भूल गई है खाना बनाने। उसके बाद बना रही है मूली पराठा, जान रही है क्या होगा फिर। बहुत गंदा स्मेल है इसका, तो झेलना फिर आगे। देखिए अब मूली पराठा खुद बना रही है, मेरी गारंटी है। अच्छा दीदी कुछ बता रही थी ना जब कहीं थी उसको मूली पराठा बना रहे। दीदी देखिए ना मूली बहुत डेरी खरीदती है, मूली पराठा ही बना देंगे। बोलते भाभी मत बनाइएगा। बोले क्यों? तो बहुत गंदा बदबू करता है। गंदा बदबू? मूली तो इतना गंदा बदबू नहीं करता। अरे वो वाला बदबू आप नहीं रेडी कर दिया होता दे आते हैं। वाह अब अपने लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, पाचक सब तैयार है। टेस्टी कसम बना है, बहुत टेस्ट है, लेकिन मजा आ गया। गरम गरम पराठे, ठंड का मौसम, ओए होए होए, नाइस दिन ही बन गया।